For more Sachin updates, click the red button and hit the bell icon to never miss any video from HSB News. चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर मैदान में उतरकर अंपायर से बहस करने के लिए मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है। दरअसल राजस्थान के खिलाफ चेन्नई की बल्लेबाजी के दौरान 19वें ओवर में एक ऐसा मौका था जब स्ट्रोक्स की गेंद पर अंपायर ने नो बॉल देने के बाद अपना फैसला बदल लिया था। इस पर धोनी आउट होने के बावजूद गुस्से में मैदान में उतर आए और अंपायर को दलीलें देने लगे। हालांकि फैसला नहीं बदलने पर वे गुस्से में ही लौटे। आईपीएल के इतिहास में शायद ये पहला मौका था जब धोनी गुस्से में मैदान के बीच में चले गए हों। बीसीसीआई ने इस हरकत को आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन मानते हुए धोनी पर जुर्माना लगाया है। धोनी ने भी अपनी गलती मानते हुए लेवल 2 के तहत जुर्माने का आदेश मान लिया। नियमों के मुताबिक आईपीएल में किसी भी खिलाड़ी पर लगे जुर्माने को उसकी फ्रेंचाइजी भरती है। बता दें कि स्ट्रोक्स ने चौथी गेंद फुल टॉस फेंकी, जिस पर अंपायर उल्हास गांधे ने शुरुआत में नो बॉल का इशारा करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन लेग अंपायर ब्रुस ऑक्सनफोर्ड की तरफ से गेंद के कमर से ऊपर रहने का कोई संकेत नहीं मिला। इसके बाद गांधे ने नो बॉल नहीं दी। इसी पर गुस्सा होते हुए धोनी मैदान पर उतर आए। हालांकि बाद में ऑक्सनफोर्ड के समझाने पर वे नाखुश होकर वापस डगआउट लौट गए। आईपीएल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HSB News को और बने रहें हमारे साथ। HSB News की रिपोर्ट।